है, तो आज जो आप ये कह रहे हैं इसका एविडेंस क्या है? बड़ी खबर में आपको बता दूं, इसी हिंदुस्तान की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। विदेशी फंडिंग जो लगातार आ रही थी इस आंदोलन में, उसकी जांच हो गई है। किसानों को उकसाने के लिए किस किस तरह की साजिश रची जा रही है? किसानों को मझधार में छोड़कर मौज करने निकल गए, इटली में बैठकर टिकड़ी के किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। अमित शाह की थाली में आज क्या क्या चीजें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। दाल है, भात है, बैगन भाजा। ये हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात गोदी मीडिया में हुए कुछ किस्सों की करते हैं। मीडिया को ट्रोल इसके लिए किया जाता है क्योंकि वह सरकार से सवाल नहीं करते, ना ही जनता की आवाज उन तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा मीडिया मोदी सरकार की भक्ति में व्यस्त रहता है। टाइम्स नाउ ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का इंटरव्यू लिया। वैसे तो मीडिया सरकार के बड़े नेताओं के सामने तीखे सवाल नहीं रखता, पर इस इंटरव्यू में ही एंकर नविका ने पीयूष गोयल को किसान आंदोलन के मुद्दे पर उलझा लिया, जिसके बाद पीयूष गोयल ठीक से जवाब ना दे सके। क्योंकि पहले जब खालिस्तानी नाम आया तो लोगों ने बीजेपी को काफी ताने दिए और निशाना बनाया कि आपने एक फार्मर किसान के आंदोलन को आपने टेरर के साथ जोड़ दिया है। तो आज जो आप ये कह रहे हैं इसका एविडेंस क्या है? माफ करिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता या मंत्री ने कभी भी इस आंदोलन को खालिस्तान के साथ नहीं जोड़ा, यह मैं आपके चैनल पे स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें खालिस्तान का कोई संबंध नहीं है, ये वास्तव में सुशील मोदी पहले पूर्व और किसानों का आंदोलन पूर्व बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मनोज तिवारी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों के ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं। मैं आपको, अगर आप चाहें तो पढ़कर बता सकती हूं। खैर, हम उससे अपने आप को नहीं जोड़ते, अगर किसी ने कहा तो गलत कहा। किसान आंदोलन में गोदी मीडिया का आना मना है, पर फिर भी वे वहां घुस ही जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार तो वे किसान से बात करने के लिए उनके गले ही पड़ गए। नहीं, नया साल तो दिल्ली में मनाएंगे, दिल्ली भाई सब नया साल मनाने जाते हैं बाहर। हाँ नहीं, आन दो, ये बात तो करने दो इनसे, क्या देखा है इसी ठंड को तो देखा है। शायद ये किसानों द्वारा बार बार भगाए जाने के बाद का असर है। इससे पहले जब भी जी न्यूज का कोई पत्रकार आता है तो उसे भगा दिया जाता था। अब तो रिपोर्टर गले लग रही हैं, पर आप पहले जी न्यूज के इस रिपोर्टर को देखिए, वह ये मुहिम चला रहे हैं असली वर्सेस नकली किसान की। तो जी हिंदुस्तान की लगातार महा कवरेज जारी है, किसान आंदोलन की हर बड़ी खबर सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने आप तक पहुंचाई है। तमाम बॉर्डर्स पर भी हमारी टीम पहुंची और आज देश के कोने कोने से मेरे सहयोगी आपको असली किसानों की आवाज सुना रहे हैं। बड़ी खबर में आपको बता दूं, जी हिंदुस्तान की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। विदेशी फंडिंग जो लगातार आ रही थी इस आंदोलन में, उसकी जांच होगी ये खबर आ रही है। शराब पार्टी की जांच होगी ये खबर आ रही है। विदेशी फंडिंग होने की आशंका है, इसके चलते इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए है। मैं ये कह रहा हूँ, इनकी अगर पहले ही शुरुआती जांच हो जाती कि असली किसान है या नकली किसान है, तो ये आज 30 दिन या 32 दिन तक ये धरना ही नहीं चलता। असली किसान 30 दिन नहीं रुक सकता सड़क पे, 30 दिन नहीं रुक सकता। ये होते हैं, ये होते हैं दारू असली किसान के बीच खड़े हुए। दादा आपके बीच के हैं ये। खैर, किसानों का जो आंदोलन है उसमें ज्यादातर किसान ही शामिल है, तो क्या किसान ही किसान को भड़का रहे हैं? राजनीतिक पार्टियों का वहां जाना मना है,
तो फिर उन्हें कौन भड़का रहा है। पर हमारा मीडिया ये मानने को तैयार ही नहीं। इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा का ये वीडियो देखिए। वह एक किसान से बात कर रहे हैं और उसकी बातों पर यकीन भी कर रहे हैं। किसानों के नेताओं की बातें हमने बहुत सुनी है, लेकिन आज मैंने दूर दराज गाँव में रहने वाले कई किसानों से बात की और उन्होंने चौंकाने वाली बातें बताई। किसानों ने बताया कि कैसे किसान आंदोलन को भड़काने के लिए, किसानों को उकसाने के लिए किस किस तरह की साजिश रची जा रही है, कितने हैरान करने वाले झूठ बोले जा रहे हैं। उन्होंने जो सबूत दिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे साबित होगा कि पंजाब में राजनीतिक पार्टियों के लोग भोले भाले किसानों को दिल्ली के बॉर्डर तक लाने के लिए, उन्हें धरने पर बिठाने के लिए कैसी कैसी तरकीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, जिन लोगों की नेचुरल डेथ हुई है उनकी लाश की फोटो लेकर पंजाब के गांव में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि शख्स दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गया। रजत शर्मा जी ने एक किसान से बात की, पर उन लाखों किसानों का क्या जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी तो कुछ सुन लीजिए। मीडिया अब उनकी बात पर सरकार से सवाल थोड़ी करेगा, सवाल तो विपक्ष से ही होंगे। देश में अर्थव्यवस्था, किसान आंदोलन, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भी जरूरी मुद्दा है राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, इस पर नजर रखना, कवरेज करे या ना करे, पर इस पर बात करना जरूरी है। आखिर राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, किसके साथ जाएंगे? किसान की लड़ाई राहुल की छुट्टी पर आई। राहुल छुट्टी मनाने नहीं बल्कि बीमार नानी का हालचाल जानने के लिए इटली गए हैं। किसानों को मझधार में छोड़कर मौज करने निकल गए इटली में बैठकर टीकरी के किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। क्या अब धीरे धीरे किसानों के सामने गुमराह गैंग का पर्दाफाश होने लगा है? धरने पर किसान, राहुल पहुंच गए मिलान। किसानों पर वाटर गन और वहां पर कोई वाटरफॉल होगा जिसके मजे लेंगे राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी आपसे नहीं हो पाएगा? क्या पार्टी ऐसे ही चलेगी? कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए कोई कविता गढ़ी है क्या? इतना ही नहीं, आप मीडिया को कम मत समझिए। राहुल गांधी के जाने का तो ठीक था, पर वे अमित शाह किसान के घर क्या खाने वाले हैं ये तक मीडिया को मालूम था। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि अमित शाह 19 दिसंबर को एक किसान के घर जाएंगे और खाना खाएंगे। भोजन करते हुए मैं दिखाई दे रहे और इस वक्त लंच करते हुए, कल भी उन्होंने लंच किया था ठीक उसी अंदाज में जैसे हम आप और बाकी लोग अपने घर में भोजन करते हैं, उसी अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोजन कर रहे हैं। और पूरे चाव से खाया गया और पूरे शौक से खाया गया, पूरे चटकारे लेकर खाया गया। जी बिल्कुल सपना, ये गृह मंत्री वैसे भी खाने पीने में बहुत शौकीन है। अमित शाह की थाली में आज क्या क्या चीजें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। दाल है, भात है, बैगन भाजा, ये बंगाली स्पेशलिटी होती है। पश्चिम बंगाल का रोटी, दो तरह की सब्जी, जैसा कि आपने चटनी का जिक्र किया, दाल रखी हुई है और अब लग रहा है मिठाई भी वहां पर आ गई है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझा सकते हैं कि क्या क्या उन्हें लंच में सर्व किया गया है? फूल गोभी तरकारी थी, ठीक है, फूल गोभी तरकारी थी, चटनी थी, बैंगन भाजा था। मीडिया में न्यूज की जगह एंटरटेनमेंट ने ले ली है, जो आपके सामने ही है। न्यूज का तड़का आपको हर रोज मिलेगा, पर हम जरूरी मुद्दों पर सही न्यूज आपके सामने रखेंगे और सरकार से सवाल भी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।